हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो उन भाइयों के लिए होने वाला है जिनके पास जिम की सुविधा नहीं है, या सुविधा है फिर भी उनके पास जाने के पैसे नहीं है, या फिर जाने का टाइम नहीं है और घर पर भी किसी भी इक्विपमेंट का व्यवस्था नहीं है, तो कैसे बॉडी बनाए। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि बिना इक्विपमेंट के, बिना जिम के घर पर कैसे बॉडी बनाए, एकदम तगड़ी वर्कआउट टाइप की बॉडी बना सकते हैं। तो आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज लेके आया हूँ जो कि अगर आप घर पर करते हैं तो घर कुछ ही दिनों के अंदर आपकी बॉडी में काफ़ी बदलाव दिखेगा और आपकी जो बॉडी है बहुत ही तगड़ शेप में आ जाएगी। तो आपको करना क्या है कि वीडियो अगर आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर लें जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारे जो है ट्राइसेप मसल के लिए होने वाली है। इसमें हम करने वाले हैं डायमंड पुशअप, आप देख सकते हैं। तो आपको जो है सिंपली हाथों को कुछ इस तरह रखना है, अपने जो है हैंड को एकदम टाइट करना है, आपको आराम आराम नीचे जाना है, तेजी के साथ आप आना है। आप देख सकते हैं किस तरह करना है, आपको पूरा लोड जो है अपने ट्राइसेप मसल पे देख करना है तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह करना है, आपको पूरा नीचे जाना है आराम आराम, तेजी के साथ आप आराम आराम नीचे, तेजी के साथ आप। तो इस एक्सरसाइज का भी घर पर आपको 3 से 4 सेट लगाना है। हर सेट में आपको अपने हिसाब से जो है रिपीटेशन निकाल लेना है। अगर आपसे शुरुआत में अगर कम रिपीटेशन निकल रहा है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपसे आगे चल के अच्छे से होने लगा और आपका ट्राइसेप बहुत तेजी से ग्रो होगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज। जो हमारी अगली एक्सरसाइज होने वाली है हमारे बाइसेप मसल के लिए होने वाली है, जिसमें हम करने वाले हैं बाइसेप पुशअप। आप देखते हैं किस तरह करना है, अपने हैंड की ग्रिप कुछ इस तरह रखना है, आप देख सकते हैं। आपको फिर से पुशअप फॉर्म में आना है, आराम आराम पूरे नीचे जाना है, आराम आराम ऊपर। इस एक्सरसाइज से आपका जो बाइसेप मसल है बहुत ही तेज़ी से ट्रेंड होती है और आपका बाइसेप फट के डोला का 16 बन जाता है। तो आप इस तरह एक्सरसाइज करना है। तो हो सकता है आपको शुरुआत में ये भी एक्सरसाइज करने से दिक्कत हो, तो आपको करना क्या है कि आप पूरा एनर्जी लगा के ट्राई करना कि ये एक्सरसाइज जरूर करें, तभी जो है आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और रिपीटेशन कोई जो है फिक्स नहीं है, आपसे जितना निकले, आपके अंदर जितना एनर्जी, जितना स्टेमिना हो उस हिसाब से निकाल सकते हैं, जिससे आपका बाइसेप बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारी अगली एक्सरसाइज होने वाली है हमारे जो है लोअर चेस्ट के लिए होने वाली है। आपका चेस्ट कितना भी अच्छे से ट्रेंड हो, अगर आपकी जो चेस्ट का ये लोअर पार्ट है अगर ये ठीक से नहीं ट्रेंड रहेगा तो आपका चेस्ट बिल्कुल भी खत्म टाइप का दिखेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है इस एक्सरसाइज करना है जिससे आपका चेस्ट अगर ऊपर से कम ही ट्रेंड रहेगा लेकिन अगर आपका लोअर चेस्ट तेजी से ट्रेंड है ना तो आपका चेस्ट बहुत ही भौकाली दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ ऊँचे जो है ऐसे ऊँची जगह का जुगाड़ कर लेना है अराउंड 2 फीट के। उसके बाद आपको पुशअप फॉर्म में आना है, आपको इंक्लाइन पुशअप करना है। आप देख सकते हैं किस तरह करना है। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, जब आप नीचे आ रहे हैं तो आराम आराम से आना है, जब आप ऊपर जाएं तो आपको तेजी के साथ अप आना है। तो आपका जो है चेस्ट बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। तो इस एक्सरसाइज का भी घर पे आपको यही प्रक्रिया करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन निकालें। ये एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ा ईजी हो सकती है, तो आपको इसमें रिपीटेशन को बढ़ा देना है जिससे आपका चेस्ट जो है तेज़ी से पंप होगा और आपकी चेस्ट की जो मसल्स है तेज़ी से ग्रो होगी। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली। हमारी अगली एक्सरसाइज होने वाली है हमारे अपर चेस्ट के लिए होने वाली है। अगर आपका लोअर चेस्ट ट्रेंड है लेकिन आपका अपर चेस्ट नहीं ट्रेंड है तो आपके जो गले के ऊपर की जो हड्डी होती है ये वाली क्लेविकल बोन, ये आपकी दिखती रहती है। इससे आपका चेस्ट कितना भी ट्रेंड हो लेकिन दिखने में ख़राब लगता है। तो आपको अगर ये हड्डी मुंज जाए, आपका चेस्ट ऊपर से भी अच्छे से शेप में रहे, तो आपको इस एक्सरसाइज को ज़रूर करना है। तो आपको क्या करना है, आपको पैर को ऊपर रखना है अराउंड 2 फीट के, उसके बाद अपने हैंड को नीचे रखना है अपने चेस्ट के अराउंड, उसके बाद आराम आराम एक्सरसाइज करना है। देख सकते किस तरह करना है, आपको आराम आराम नीचे आना है, तेज साथ आप आराम आराम नीचे आराम आराम। तो इस एक्सरसाइज का भी घर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन निकालना है। कम से कम आपको 3 सेट तो लगाना ही है, एक एक्सरसाइज का 3 सेट लगाना है, इससे कम नहीं लगाना है। इससे अगर आप प्लस लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है, आपको मसल में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप जो है 3 से 4 सेट लगाएं, उसके बाद रिपीटेशन काउंट जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपका चेस्ट बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज होने वाली है वो शोल्डर के लिए होने वाली है। इसमें हम करने वाले हैं शोल्डर पुशअप। तो आप देख सकते हैं किस तरह करना है, आपको पैर को ऊपर रखना है, हैंड को आपको जमीन पर रख लेना है। आप देख सकते हैं आपको कुछ इस फॉर्म में हो जा आ जाना है, उसके बाद आराम आराम नीचे। ये एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ा टफ हो सकती है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करने लगेंगे। अगर आप इस पुशअप को करते हैं तो आपका जो शोल्डर मसल है आप देख सकते हैं ये बहुत तेज़ी से ट्रेंड होती है, जिससे आपके कंधे काफ़ी चौड़े और ब्रॉड दिखते हैं,
जिससे आपका बॉडी बहुत चौड़ी दिखती है। तो इस एक्सरसाइज का भी घर पे आपको 3 से 4 सेट लगाना है। हर सेट में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन निकालने की कोशिश करें जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बोरियत महसूस ना हो, इसलिए थोड़ा फास्ट जो है वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी जो अगली एक्सरसाइज होने वाली है थोड़ा टफ एक्सरसाइज होगी, लेकिन अगर आप ठीक से करेंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये एक्सरसाइज आपकी जो आउटर चेस्ट है इसको बहुत तेज़ी से ट्रेन करती है। जब तक आपका आउटर चेस्ट नहीं ट्रेन रहेगा आपके चेस्ट का शेप बिल्कुल भी खराब दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपने हैंड को जो है वाइड रखना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आराम आराम इस तरह करना है, साइज को बारी बारी से इस तरह, आप देख सकते हैं किस तरह करना है। तो ये एक्सरसाइज थोड़ा टफ हो सकती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप भी इस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं आप हमारा जो ये आउटर चेस्ट है बहुत ही तेज़ी से पंप हुआ है और आपका भी आउटर चेस्ट बहुत ही तेज़ी से ट्रेंड होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कुछ एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहाँ जाके हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर बताऊँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये यूनिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद।